फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। अगेन स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिकल फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास। ओके, बीएससी पार्ट सेकंड। स्टैटिकल फिजिक्स यूनिट फोर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी फाइनल यूनिट, विच इज फोर्थ यूनिट। तो देख रहे हो आपका सिलेबस कितना छोटा सा था। आप आते ही डर रहे थे सिलेबस इतना है और एग्जाम हमारे आ गए हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ वगैरह वगैरह, इतनी बातें आपके माइंड में चल रही थी। जबकि देखो, हमने कहा बिल्कुल हमने जनवरी में ही स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में तो हमने काफ़ी कम ही क्लासेस ली थी, छोटी छोटी क्लासेस, और हमने जबकि एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ाया। मैंने आपको इतना कुछ लिखवाया है इसमें बहुत डिटेल में, जितना कि अभी आप मतलब आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप उनमें से कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो जो आपको अच्छे से आते हैं, आप वो करो एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर भी हमारा देखो अभी फरवरी 10 हुई है और हम अपने बिल्कुल फोर्थ यूनिट में आ गए हैं। फोर्थ यूनिट हमें लास्ट पढ़नी है, उसके बाद फिनिश हमारा स्टैटिकल एंड थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स का कोर्स। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था आपको, कोर्स आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बस ये ध्यान रखो कि डेली के डेली आपको जो करवाया जा रहा है उन चीज़ों को बस पढ़ने में ध्यान दो कि वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ तक मैं थर्ड यूनिट कल हमने हमारी फाइनल खत्म की, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व का सिद्धांत पढ़ा। समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को। इजी सा ही था, थर्ड यूनिट हमारी काफ़ी छोटी थी, फर्स्ट सेकेंड यूनिट हमारी ज़्यादा बड़ी थी। बड़ी तो क्या थी, वैसे उसमें टॉपिक्स ये थे, काफ़ी सारे तो थे लेकिन सब छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ठीक है ना, इसीलिए उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था करने में। लेकिन हमने अच्छे से थर्मो भी कर ली, स्टैटिकल भी कर ली, स्टैटिकल भी इजी सी है। तो देखो, हमने थर्ड यूनिट जो पढ़ी थी वो हमने किसकी की थी, क्लासिकल स्टैटिक्स की थी वो, चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत सांख्यिकी। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड यूनिट जिसमें हमने पढ़ा। इस फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि क्लासिकल मतलब चिरसम्मत, जो शुरुआत थी फिजिक्स की जहाँ से हुई, उस टाइम पे स्टैटिकल का स्वरूप कैसा था, सांख्यिकी किस प्रकार से प्रदर्शित की गई, मेनली किसके थ्रू दी गई। आप देख रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा हमने कौन से रूल्स पढ़े, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सारे टॉपिक में क्या यूज़ में लिया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण का नियम, और साथ के साथ कुछ एक जो हमने विशिष्ट ऊष्मा से रिलेटेड ये सब हमने मॉडल्स देखे, वो मॉडल किसके द्वारा दिए गए, आइंस्टीन के द्वारा। तो मेनली क्लासिकल थ्योरी जो होती है फिजिक्स की वो किसके द्वारा दी हुई मानी जाती है, आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टाइन के टाइम तक ये थ्योरी चली, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करें हमारे फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में क्या है हमारा, क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ेंगे हम आज से। क्वांटम स्टैटिकल, क्वांटम मतलब आप ये मत समझो पूरा का पूरा क्वांटम, वो आपका अलग सब्जेक्ट ही है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे। यहाँ आपको ओनली स्टैटिकल से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़नी है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, क्वांटम के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारी क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, विच इज फोर्थ यूनिट। लिखना नहीं है अभी कुछ भी, फोर्थ यूनिट है हमारी किसकी, क्वांटम स्टैटिकल की। ठीक है, क्वांटम सांख्यिकी हम कह सकते हैं, क्वांटम को हिंदी में भी क्वांटम ही कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स की बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, मतलब मुझे भी क्वांटम फिजिक्स बहुत पसंद है। ठीक है, सारे के सारे अपने आप में इंटरेस्टिंग ही है, सारी बुक्स आप लोग टोटल बीएससी में आप अपनी 9 बुक्स पढ़ लेते हो फिजिक्स की, सब में आपको मजा आएगा, वही वही चीज़ें कहीं दिखेंगी, वही चीज़ें कहीं किसी और फॉर्म में, लेकिन क्वांटम में आपको बड़े मजा। क्यों, क्वांटम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का एक मॉडर्न फॉर्म है, मॉडर्न स्वरूप है जो इन दिनों में चल रहा है। क्वांटम में क्लासिकल एक पर्टिकुलर टाइम तक लिमिट थी, आइंस्टीन टाइम तक लिमिट थी, आइंस्टीन ने छोड़ी दी वहां तक ठीक था, लेकिन क्वांटम वो है जो उस टाइम चल रही थी और आज तक भी चल रही है। आज भी जो भी फिजिक्स के इतने सारे आप देख रहे हो, इतने सारे दिन पर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही है, किसके थ्रू, क्वांटम के थ्रू हो रही है, क्वांटम के रूल्स को लेकर के हो रही है। तो क्वांटम क्या था, क्लासिकल ने बहुत कुछ चीजें समझाई, जैसे हम स्पेशली हम यहाँ बात करें क्वांटम फिजिक्स तो भी बहुत बड़ी सारी है, आपका एक अलग सब्जेक्ट ही आता है क्वांटम फिजिक्स, वो बाद में, हमें यहाँ ओनली स्टैटिकल से रिलेटेड बात करनी है। तो हम क्या बात करें,
क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान यांत्रिकी या मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी हम पढ़ रहे थे, उसका बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया। अलग अलग ताप पर, अलग अलग दाब पर एंट्रोपी का मान, प्रायिकता का मान, कणों की संख्या, हमने एक टॉपिक अभी पढ़ा है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से हमने पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी जो थी स्टैटिकल की, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ों में और कई सारे जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी थे जिनका एक्सप्लेनेशन करने में क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई, जहाँ पर क्लासिकल थ्योरी उनका एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर पाई, या फिर क्लासिकल थ्योरी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो गलत प्रूफ हुआ, या वो कम्प्लीटली उस एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पाए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जन्म हुआ इस क्वांटम स्टेटिस्टिक का, ठीक है। क्वांटम की शुरुआत सबसे पहले किसने की, प्लांक ने। प्लांक ने की सबसे पहले क्वांटम की शुरुआत। ये सब पर्टिकुलर आपके ओनली स्टैटिकल से रिलेटेड चीज नहीं है, ये मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट फिजिक्स, ठीक है ना। आपसे कोई नॉर्मली कभी पूछ ही ले क्लासिकल फिजिक्स क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो आप उसको बता सको। क्लासिकल थ्योरी स्पेशली किसकी मानी जाती है, आइंस्टाइन की, और जबकि क्वांटम थ्योरी की शुरुआत किसने की थी, प्लांक ने की थी। इन दोनों में आपको एक बड़ा ही फेमस सा रिलेशन ध्यान होगा, आप कहीं भी देखते हो फिजिक्स की बात होती है, दो इक्वेशन मेनली यूज में आती है, क्या, एनर्जी की इक्वेशन। आइंस्टाइन ने बोला E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, प्लांक ने इक्वेशन दी E इक्वल टू एच न्यू, और इन दोनों का कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू को हम कंपेयर करते हैं, तभी हम वहां से डी ब्रोगली रिलेशन भी निकालते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एम सी स्क्वायर है, न्यू को आप क्या लिख सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कैंसिल, एम सी किसके बराबर हो गया, एक तरह से पी के बराबर, संवेग पी बराबर कितना हो गया आपके पास, एच अपॉन लैम्डा, डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहते हैं, डी ब्रोगली संवेग आता है हमारे पास। तो ये सारे रिलेशन यहाँ से फर्दर आगे निकाले गए, डी ब्रोगली ने निकाले थे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये सब, आपके आएगा भी, ठीक है ना कहीं पर। तो यहाँ हमने खैर बात किसके कर रहे हैं, तो कुछ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, अब वो एक्सपेरिमेंट कौन से थे, जैसे कि सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसको आप कृष्णिका विकिरण कह सकते हो। आप सबने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी क्या चीज है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। तो जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन था ये, क्योंकि बड़े ही फेमस एग्जांपल हुआ था, इसलिए नॉर्मली हम इसको ध्यान रखते हैं। या फिर हम जैसे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा वगैरह की बात करें, कोई निम्न ताप पर ही, जैसे कल हमने देखा कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक हमें वहां लगा, आइंस्टीन की थ्योरी फेल हो गई, फिर डिबाई ने वो मॉडल दिया, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें लगी। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स सक्सेसफुली नहीं समझा सकी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या दिया गया, फिर प्लांक थे, प्लांक ने क्या है कुछ अपने अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सिद्धांतों को क्या कहा गया, क्वांटम के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिक्स की एक अलग ही पूरी शाखा ही अलग कर दी गई, एक अलग शाखा का विकास हुआ जहाँ पे कई सारी ऐसी घटनाएं जो कि क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा समझाई नहीं जा सकी, या क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा समझाने में असफल रही, उनको किसके थ्रू समझाया गया, क्वांटम फिजिक्स के थ्रू, ठीक है। हमने कल क्या पढ़ा था, कल तक हम जो थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे वो हम कौन सी पढ़ रहे थे, क्लासिकल स्टेटिस्टिकल की पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा आइंस्टीन की थ्योरी थी, आइंस्टीन की थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम हुई, डी ब्रोगली ने कुछ ठीक किया, लेकिन कई सारी। अब जैसे ब्लैक बॉडी की बात करें, तो ब्लैक बॉडी को समझाने में क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल ही असफल रही, फिर ब्लैक बॉडी को कौन समझाएगा, तो ब्लैक बॉडी को समझाया गया क्वांटम स्टेटिकल के थ्रू, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हमारे जो फोर्थ यूनिट हम पढ़ेंगे इसकी, क्वांटम स्टेटिकल की पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आप अंदर काफी सारे, सबसे इंपॉर्टेंट आप हमने ये देख ही लिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे मेन वो एग्जांपल है जिसके लिए एक तरह से हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और यहीं पे शुरुआत में ही प्लांक ने, इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ही प्लांक ने एनर्जी के लिए एक नियम, एक सिद्धांत दिया कि एनर्जी का, या जो बात हो रही रेडिएशन या विकिरण, कि विकिरण किस प्रकार से निकलता है, तो प्लांक ने ये कहा, पहले तक आइंस्टीन ने ये कहा था कि ऊर्जा, जब किसी भी चीज से ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होती है, कोई वस्तु है, कोई कण है, क्या होती है, या तो वो ऊर्जा का अवशोषण करती है, या फिर वो क्या करती है, ऊर्जा का उत्पादन करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने ये कहा था कि ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता है, ठीक है। कि प्रकाश आप ऐसे नहीं कह सकते कि पहले थोड़ा सा प्रकाश है फिर थोड़ा थोड़ा, आइंस्टीन ने ये कहा कि प्रकाश कैसा है, बिल्कुल कंटिन्यूस आता है, ठीक है। प्रकाश का वेग सी दिया उन्होंने, और तब उन्होंने एनर्जी के लिए इक्वेशन निकाली इक्वल टू एम सी स्क्वायर, क्लियर है।
कई सारे एक्सपेरिमेंट इस पे बेस्ड करके प्रूफ किए भी गए, ठीक है सही भी बैठी वहां तक, लेकिन बाद में कुछ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जहां तक आते आते अगर हमने इस फॉर्मूले को यूज किया तो वो गलत बैठ रहे थे हमारे रिजल्ट। तो वहां पर ध्यान दिया गया कि नहीं, इसका मतलब है ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रकाश हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण कैसा होता है, बिल्कुल स्पेशली अगर हम बात करें उत्सर्जन की, कोई भी रेडिएशन निकलती कि रेडिएशन कैसी होती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती है, ठीक है ये बात कही गई। तो ये देखा कि इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पकड़ी प्लांक ने क्या कहा? प्लांक ने कहा कि नहीं, कि प्रकाश का जो उत्सर्जन है, आप जो बात कर रहे हैं रेडिएशन की, रेडिएशन कभी भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, एक कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं आता। रेडिएशन अलग अलग पैकेट्स के रूप में आता है। जैसे आप बोलो कि अलग अलग हमने छोटे छोटे कई सारे पैकेट, एक हम बोले कि मान लो जैसे किसी चीज का, जैसे मान लो दूध है, ठीक है हम ये बोले कि दूध का मान लो कुछ भी ऐसे अलग अलग नहर टाइप की बना दी गई, हम ये बोले कि दूध का कैसा फ्लो होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस, एक जगह नहर में दूध डाल रहे हैं और कंटिन्यूअस फ्लो होता जा रहा है, एक तो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो। दूसरा प्लांक के अकॉर्डिंग प्लांक ने ये कहा कि नहीं, ऐसा वितरण नहीं होगा। वितरण किस फॉर्म में होगा? जैसे दूध के पैकेट्स मिलते हैं हमें शॉप पे, अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में मिलता है, कि प्रकाश क्या होता है, उन्होंने प्रकाश को एक क्वांटीकृत राशि कहा। क्वांटीकृत राशि की वजह से ही इस थ्योरी का नाम क्या? क्वांटम फिजिक्स पड़ा। उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि प्रकाश कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है, क्वांटा फॉर्म में होता है। क्वांटा का मतलब होता है आपका पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब कि अलग अलग क्वांटिटी में आता है। पहले कुछ प्रकाश पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट कुछ प्रकाश पहुंचेगा, नेक्स्ट कुछ प्रकाश पहुंचेगा, इस तरीके से पहुंचता जाएगा वो लगातार। इनमें बहुत ज्यादा टाइम भी ले हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये सब अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में होती है। और उस एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू किसकी एनर्जी है? फोटोन की। तो ये कहा प्लांक ने कि प्रकाश फोटोन्स के रूप में निकलता है, और फोटोन कैसे, कि जैसे पहले एक फोटोन आया, इतनी एनर्जी का फोटोन आया, फिर इतनी एनर्जी का फोटोन आया, इस तरीके से आते हैं। तो अलग अलग होने के कारण प्रकाश को कैसा माना? क्वांटीकृत माना। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी मानी गई? इक्वल टू एच न्यू मानी गई। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही सुपर प्रूफ हुआ। क्यों? क्योंकि आज तक भी ये कॉन्सेप्ट हम मान रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हर वो थ्योरी जो कि क्लासिकल फिजिक्स कहीं ना कहीं उसको समझाने में असफल रही, उसको जब क्वांटम के थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू समझाया गया तो वो सही प्रूफ हुई। इसका मतलब हम आज तक भी इस थ्योरी को सही मानते हैं। क्लासिकल की थ्योरी भी कम्प्लीटली गलत नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि ये हमारे यहाँ किसी काम की नहीं रही, ऐसा नहीं है। कई सारा आइंस्टीन ने ऑब्वियसली थ्योरी दी थी, तो आइंस्टीन कोई बात ऐसे तो कह नहीं सकते थे, उन्होंने थ्योरी दी, काफी काम की थी थ्योरी। कई सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट है जो कि इनके थ्रू समझाए भी गए हैं, लेकिन जहाँ पे हमें हमेशा जरूरत होती है कुछ एडवांस वर्क की, ठीक है जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि मूवीज है, क्लासिकल मूवीज थी एक पर्टिकुलर टाइम तक चली, ठीक है फिर उसके बाद में देखा गया कि नहीं, अब जो व्यूअर्स हैं, दर्शक है, इस टाइप की मूवीज से, इस टाइप की स्टोरी से बोर हो रहे, कुछ न्यू करने की जरूरत है, ठीक है या ऐसी मूवीज चल नहीं पा रही है, तो उसके लिए क्या किया डायरेक्टर्स ने? कुछ नए थॉट्स, नई स्टोरीज, कुछ नए टाइप की मूवीज करना शुरू किया, तो जाकर के पता चला हाँ व्यूअर्स का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। तो वही वाली बात है कि भाई एक टाइम का कोई एक आपको किसी ने बता दिया, ऐसा ऐसा होता है, आप उसके बेस पे सोचो कि हम सारी की सारी थ्योरियां प्रूफ कर दे, कई बार ऐसा नहीं होता, कुछ नए थॉट्स की, कुछ नए उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। वो इंप्रूवमेंट किसने किया? प्लांक ने। किस थ्योरी के बेस पे? क्वांटम थ्योरी के बेस पे। क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। कंप्लीटली डिफरेंस सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे इफेक्ट है। यहाँ तो हम प्रकाश की बात कर रहे हैं क्योंकि हम केवल एक एक्सपेरिमेंट के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है हम यहाँ अभी केवल ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ओनली इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर में डिफरेंस बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टनल इफेक्ट होता है, ये सब आप क्वांटम में पढ़ोगे। क्लासिकल के थ्रू की पोटेंशियल बैरियर होता है कि पार्टिकल उस बैरियर को पार नहीं कर पाता, ये कहा क्लासिकल ने कि मान लो कोई, हमने ये बोल दिया इस टाइप का कोई बैरियर है, हमारा कण कोई यहाँ पर स्थित है पार्टिकल, तो क्लासिकल ने ये कहा कि बैरियर की हाइट जो है ये इस कण की एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए कण इसको पार नहीं कर पाएगा और कण जो है इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसको उन्होंने क्लासिकल ने अपने तरीके से समझाया और फाइनल रिजल्ट ये दे दिया कि कण जो है वो अपनी बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में ही रह जाएगा, पार नहीं कर पाएगा। क्वांटम ने उस चीज को कैसे सॉल्व किया? क्वांटम ने बोला कि चला जाएगा, कब जाएगा, कि अगर वो इसमें एक सुरंग बना ले, एक टनल बना ले, तो उसको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं से चला जाएगा। तो है अच्छा आइडिया है, और इसके बेस पे वाकई में जब सॉल्व आउट करके देखा तो पाया गया कि हाँ यहाँ पे आराम से वो टनल बना सकता है पार्टिकल और इस जगह पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत एक फेमस सा एग्जाम्पल है ये टनल इफेक्ट का। क्वांटम को मेनली जाना ही जाता है टनल इफेक्ट के लिए, ठीक है। खैर ये आप लोग क्वांटम फिजिक्स मुझे नहीं पता आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप
आप लोग उसमें देखोगे, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम अभी थर्ड यूनिट तक क्या पढ़ चुके थे, क्लासिकल स्टैटिक्स, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट हमारे क्वांटम स्टैटिकल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वांटम के थ्रू कई सारे फिर क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी भी प्रूफ की, जो कि सही भी मानी गई। तो ऐसे ही कुछ थ्योरी, कुछ मॉडल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दो तीन आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक आप पढ़ोगे बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स, बोस और आइंस्टीन दोनों ने मिला करके जो स्टेटिस्टिक दिया वो, ठीक है, बोस आइंस्टीन पढ़ोगे। एक आप ऐसे प्लैंक का पढ़ोगे, ठीक है, बोस आइंस्टीन हो गया इस तरीके से। तो ये कई सारी हमें अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है जो कि यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। बड़ी बड़ी होती है ये सारी की सारी थ्योरी। ऐसे एक आपका आएगा जैसे फर्मी डिराक। अब एग्जाम में ये सब बिल्कुल डायरेक्ट नाम से आपके पास आएगा, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या है एक्सप्लेन करो, पूरा आपको उसमें डेरिवेशन समझाना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सब हम अभी इस फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, तो ध्यान लगा करके पढ़ना इम्पोर्टेंट है वैसे ये यूनिट, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। इसमें शायद ही कोई टॉपिक होगा जो आप थोड़ा छोड़ पाओगे, ठीक है ना। बाकी इसमें सारे के सारे आपके हर साल दो साल में कभी कोई रिपीट होता है, कभी कोई रिपीट होता है, तो आप इसमें ये श्योर नहीं कर पाते हो कि हमें ये छोड़ना और ये करना है इसलिए, ठीक है। चलिए क्वांटम स्टेटिस्टिक्स, आपको समझ में तो आ गया कि हमारे पास क्वांटम स्टेटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्लियर है ना, यही इसका रीजन था। क्वांटम स्टेटिस्टिक्स ये नाम लिखे ना अपने फोर्थ यूनिट का, क्वांटम स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, कृष्णिका विकिरण। हेडिंग लिखो कृष्णिका विकिरण। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी तो आई एम श्योर आप सबने कोई पहली बार सुनी हो, ऐसी चीज तो है नहीं, आप सबने पहले सुना होगा, पहले पढ़ा होगा। तो आप में से मुझे पता नहीं लाइव क्लास है नहीं, अदरवाइज हम यहाँ पे पूछते कि किसे पता है ब्लैक बॉडी क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी देखो जहां तक है, हम सब नॉर्मली छोटी क्लासेस में हम सब ने यही एग्जाम्पल पढ़ा होता है क्या, कोई भी एग्जाम्पल हमें सबसे ज्यादा कौन सा दिया जाता है, व्हाइट बोर्ड का और ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड जैसे होता है, ब्लैक कलर के लिए एग्जांपल दिया जाता है, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का कभी भी अगर स्पेक्ट्रम लिया जाता है, कोई हम बोलते हैं ना श्वेत प्रकाश, आप लोगों ने सुना हो, तो नाम तो आता है उसका श्वेत प्रकाश, जबकि उसका अगर स्पेक्ट्रम इस तरीके से लिया जाता है तो उसमें क्या होता है आपके पास कलर्स कई टाइप के आते हैं, सारे के सारे कलर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। वही डिफरेंस अगर हम बात करें किसी ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर को ब्लैक क्यों कहा जाता है, मतलब ब्लैक कलर एक तरह से हुआ कैसे, ब्लैक क्यों कहा जाता है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है उसका नाम ही ब्लैक है, ठीक है ना, नाम किसी ने दिया ही होगा। लेकिन ब्लैक से मतलब वहाँ क्या होता है कि ब्लैक कलर पे पड़ने वाली सारी की सारी किरणों को ही क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के ऊपर आप चाहे किसी भी रंग की विकिरण डाल दो, इसीलिए ब्लैक कलर सारी की सारी किरणों को क्या करता है, किसी भी रंग की हो वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी ये क्वालिटी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लासों में, क्लासरूम्स में ब्लैक कलर के व्हाइट बोर्ड लगाने की परंपरा इसीलिए चली थी, वहीं से चली थी परंपरा, ठीक है। आजकल के टाइम में तो ठीक है, लाइट्स अलग अलग आ गई है, एलईडी आ गई है, व्हाइट बोर्ड लगा लिया जाता है, कैमरे सेट कर लिए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत के टाइम पे तो ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड इसीलिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे चाहे किसी क्लासरूम में सूरज की रोशनी आ रही हो, तो गवर्नमेंट स्कूल होती है, मान लो कहीं पे लाइट्स की व्यवस्था नहीं हो, सूरज की रोशनी जैसे आप लोग पहले देखते होंगे छोटी क्लासेस में, टीचर्स के बाहर धूप में बिठा देती है, बच्चों को पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वो रीजन ही होता था, चाहे वहां पे आम धूप में बैठ के पढ़ा रहे हो तो, चाहे क्लास
क्लासरूम में पहले जो बल्ब होते थे, लट्टू लगे होते थे, एक पीली कलर की रोशनी आती है उससे, वो रोशनी इस पर पड़े तो कैसे भी, ब्लैक कलर में क्या होता है, उन सबको एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, वो सबको अवशोषित कर लेता है, यही प्रॉपर्टी होती है, यही से कृष्ण का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी यही चीज होती है। क्या कि कोई ऐसा ये माना साइंटिस्ट ने कि कोई ऐसा तो पदार्थ हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा पदार्थ हो कि जिस पे हम किसी भी रंग की लाइट डालें, किसी भी रंग की लाइट से मतलब क्या है, रंग से मतलब क्या होता है आप ये बताओ पहले तो, किसी भी रंग की लाइट आप लोग जानते हो कि नहीं, स्पेक्ट्रम सुन रखा होगा आप लोगों ने, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, अब स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोला जाता है, इसलिए ये मैं बोला कि मैम हिंदी में भी स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रम आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इंद्रधनुष, इंद्रधनुष भी क्या है, सबसे लेटेस्ट, सबसे जो एक ऐसा एग्जांपल जो हम सबने देखा होता है इंद्रधनुष का, वो भी एक प्रकार से क्या होता है, स्पेक्ट्रम ही होता है। कि हम क्या बोलते हैं इंद्रधनुष, आप हम नॉर्मली ऐसे जानते हैं हम लोग कितनी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे साइंस क्या है वो हमें पता नहीं होता। हम ये बोलते हैं कि जब बारिश भी हो और जब धूप भी आती है उस टाइम पे इंद्रधनुष दिखता है, क्लियर है, हम सबको ये चीज़ पता है, लेकिन क्यों दिखता है उस टाइम पे, क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं हवा में, कहीं ना कहीं कहीं पे भी अलग अलग जगह बरसती रहती है, पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बूंदों में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर इन पानी की बूंदों पर प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है इनके अंदर परावर्तन और फिर आंतरिक अपवर्तन की क्रिया होती है इन बूंदों के अंदर। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा अपवर्तन, मुझे उसमें बहुत ज्यादा चीजें से ध्यान नहीं है कि उनके नाम क्या क्या थे, लेकिन आप लोग को ध्यान हो तो जैसे इस पे बड़ा परावर्तन, इस पे अपवर्तन हुआ, फिर आंतरिक अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन ऐसे कुछ भी होता है, फिर वहां से किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं तो फिर वो अपना थोड़ा चेंज कर लेती हैं इस प्रकार से। तो आंतरिक परावर्तन की जो क्रियाएं होती हैं उसके कारण क्या होता है, जो भी प्रकाश की किरण पड़ी उस प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश, तो वो श्वेत प्रकाश की किरणें जैसे ही पानी की बूंदों पे गिरती है उनका आंतरिक परावर्तन होता है और उनमें क्या होता है वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, कलर डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन को बोला जाता है विक्षेपण। ये सब देखो मैं पहले पढ़ी हुई चीजें डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये सारे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ये चीजें पता है कितनों को नहीं पता है, इसीलिए जिनको पता भी है वो भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, अपनी चीजों को फिर से रिमाइंड कर लो। ये सब तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम 6th-7th क्लास के साइंस से ही हम ये सब चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या होता है टाइम के साथ हम आगे का पढ़ते जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन पढ़ते जाते हैं, जबकि बेसिक फिजिक्स या बेसिक साइंस होती है हमारी ये छोटी छोटी चीजें जो कि हम भूल जाते हैं टाइम के साथ, ठीक है ना। कहीं में अभी तो ठीक है आपका लिखने का एग्जाम है BSc, आपको पता है डेरिवेशन आएगी इसलिए आप कर लोगे, कहीं अगर आप इंटरव्यू में बैठते हो तो वहां से आपको वो नहीं बोलेंगे कि पूरी डेरिवेशन करके बताओ, उनका कंसंट्रेशन इन बेसिक चीजों पे होता है, आपको ये चीजें पता है या नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पानी की बूंदें होती है, जब इसमें प्रकाश का सूर्य का प्रकाश या ये जो श्वेत प्रकाश होता है ये जब इस पे गिरता है तो आंतरिक परावर्तन के कारण इनका वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब जैसे हम ये बोलते हैं ना कि लाइट को किसी अगर हम प्रिज्म पे डालते हैं तो उसके अंदर ये उसका वर्ण विक्षेपण, अंदर उसके क्या होता है ये थोड़ा चेंज हो गया इसका डायरेक्शन में, विक्षेपण के कारण ये इस प्रकार का पूरे के पूरे अलग अलग कलर्स में एक हमें स्पेक्ट्रम, सतत एक प्रकार की एक लाइन हमें मिलती है, जिसमें हम ये देखते हैं कुछ दूरी पर कोई अलग रंग है, फिर कुछ दूरी पर कोई अलग रंग है, फिर कुछ दूरी पर अलग रंग है, इस प्रकार से तो कई 5-7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। वो जो 5-7 कलर्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक्चुअली में होता क्या है, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन की। इसके व्हाइट लाइट था, अब व्हाइट लाइट तो क्या था, ओनली व्हाइट कलर का था, सूरज की रोशनी कैसे कलर की होती है, नॉर्मली दिखने में वह व्हाइट सी दिखती है, ठीक है ना। शाम के टाइम थोड़ी येलोइश हो जाती है, पीलापन लिए हुए होती है, कभी बहुत सुंदर सी शाम होती है उस टाइम थोड़ी लाल सी हमें दिखती है, क्यों, सूरज अलग अलग रंगों के साथ में हमें लगता है, जैसे दिन में आप सूरज की तरफ देखो तो आपको बिल्कुल ब्राइट सा लगता है सूरज, तो व्हाइट सा होता है नॉर्मली, हम लाइट को कैसा लेते हैं, व्हाइट लाइट हम मानते हैं उसको श्वेत प्रकाश, लेकिन श्वेत प्रकाश का मतलब ये नहीं कि उसका कलर व्हाइट है, उसके अंदर ये सारे के सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर परावर्तन या आंतरिक अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, उनके वर्णों का विक्षेपण, मतलब कि हर रंग अलग अलग खेल करके आ जाता है हमारे सामने, ये मैं हूँ इतनी दूर, मैं हूँ इतनी दूर नीला है, इतनी दूर पीला है, अलग अलग खेल करके आ जाता है। तो वही हमें किस रूप में दिखाई देता है, इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है।
इंद्रधनुष में आप देखते हो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर, इतनी दूर में हमारे पास कोई अलग रंग, फिर कोई अलग रंग, फिर कोई अलग रंग, कौन सा रंग कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देता है अदरवाइज, लेकिन ये हमें दिख जाता है कि हाँ बड़े कलरफुल सा और सुंदर सा हो रहा है। तो वो किसके कारण होता है ये, कि हम जो रीजन बताते हैं कि जब क्या होता है कि जब बारिश भी आ रही हो और जब धूप भी हो रही हो उस टाइम पे इंद्रधनुष खिलता है, छोटे छोटे बच्चों को भी ये बात पता होती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है वो पता नहीं होती। तो साइंस यही होती है कि पानी की बूंदे, बारिश आ रही है तो पूरे में पानी की बूंदे फैली होगी, उस पर जब सूर्य भी अगर कहीं से निकल जाता है तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर गिरता है तब इंद्रधनुष आता है। आप देखो जब ओनली बारिश हो रही है, सूरज हमें कई बार कितने दिनों तक दिखता नहीं है, कंटिन्यू बारिश होती है, सूरज क्यों नहीं दिखता, ऐसा थोड़ी उगता नहीं है, उगता तो है ही, लेकिन उसके सामने बादल आ जाते हैं बहुत ही घने वाले, तो बादल उसकी रोशनी बिल्कुल ही छुपा देते हैं, कई बार दिन में भी बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे सूरज का प्रकाश दिखता ही नहीं, तो ऑब्वियस किसी बात है कि पानी की किरणों पे पड़ेगा कैसे, और आंतरिक परावर्तन या वर्ण विक्षेपण की क्रिया कैसे होगी, नहीं हो सकती है, ठीक है। जबकि जब सूरज भी हो और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो उस टाइम पे इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष का कलर हम कौन सा लेते हैं, सारे कलर्स का जो ये समूह होता है इसको कहा जाता है विप्क्योर, शॉर्ट में इसको अपन सबने याद किया था 12th में विप्क्योर के नाम से। विप्क्योर क्या है, अलग अलग कलर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही कलर्स पड़े थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है ना। तो ये इसलिए हम 7 प्रकार के कलर्स हमें मिल रहे हैं, 3, 4 और 3, 7, ये 7 रंगों के समूह को इंद्रधनुष कहा जाता है, इसलिए हमें मिलता है, ठीक है। खैर तो हम क्या पे बात कर रहे थे, हाँ हम बात कर रहे थे कृष्णिका विकिरण की। तो हमने इसलिए कहा कि ब्लैक रंग जो होता है, ब्लैक रंग क्या होता है, उस पर आप कोई प्रकाश डाल दो किसी भी रंग की, उसमें सबको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। अब कृष्णिका विकिरण क्या करता है, उसमें आप किसी भी रंग का प्रकाश डाल दो तो प्रकाश तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फिर अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर टाइम टेम्परेचर पर आप उसको गर्म करो, ठीक है ना, कृष्णिका विकिरण कैसी भी वस्तु हो सकती है, कृष्णिका विकिरण, जैसे कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कोई एक मान लो आप चौकोर डिब्बा ले लो खोखला, ठीक है ना, जैसे जूते का डब्बा होता है हमारे घर, कोई भी ऐसा खाली सा डब्बा हो अंदर चारों तरफ बिल्कुल गत्ते उस पर सेट कर दो बिल्कुल अच्छे से, और उस पर बहुत डार्क का ब्लैक पेंट कर दो, ठीक है, उसको चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से ब्लैक पेंट कर दिया, वो भी एक तरीके से हमारे पास क्या बन गया, कृष्णिका बन गया, कैसे भी ब्लैक बोर्ड ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई ब्लैक बॉडी है अगर उसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब वो क्या करती है, उस टाइम पे वो विकिरण उत्सर्जित करती है। अवशोषित तो वो पहले कर चुकी है हर प्रकार के रंग को, इसका मतलब उसके अंदर सारे के सारे कलर्स मौजूद है, ठीक है ना। अब वो क्या करती है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप गर्म करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है ऊष्मा कहीं ना कहीं तो अंदर जाएगी, अंदर जाके क्या करेगी, तो उसके अंदर से भी रेडिएशंस निकलेगी, वो रेडिएशन जब किसी फॉर्म में निकलती है वही रेडिएशन क्या कहलाती है, हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है, ठीक है। वो रेडिएशन क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। अब ये जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकली ये भी सेम वैसे ही रेडिएशन है जैसे अभी हमने सूर्य प्रकाश की बात की, तो ये भी रेडिएशन क्या होता है, इससे अगर हम कोई स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसका ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का अगर हम क्या करते हैं वर्ण विक्षेपण जब हम करते हैं, तो वर्ण विक्षेपण करने पर यहाँ से भी हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें हमें क्या दिखता है, अलग अलग रंग की एक पर्टिकुलर लाइन, अलग रंग की पर्टिकुलर लाइन, अलग रंग की, इस प्रकार का हमें कोई स्पेक्ट्रम मिलता है। अब अलग अलग रंग से मतलब क्या होता है, हाँ हम डिस्कस कर रहे थे इस पर कि अलग अलग रंग से मतलब क्या होता है, तो रंगों से मतलब होता है कि उनकी तरंग दैर्ध्य अलग होना, उनकी तरंग दैर्ध्य अलग होना, तरंग दैर्ध्य म्हणजे लैम्डा, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य अलग अलग होना, तो अलग अलग रंग एक निश्चित सीमा का लैम्डा अलग है, इस इतनी दूर का लैम्डा अलग होगा, इसका लैम्डा अलग होगा, इस प्रकार से लैम्डा अलग क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग रंग का लैम्डा क्या होता है, अलग अलग होता है। ये जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ट्रैफिक सिग्नल पे लाइट रेड कलर की क्यों लगाई जाती है, रुकने का जो लाइट होता है वो रेड रेड कलर को ही क्यों सिंबल माना गया, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं कि लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है जिसके कारण उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होता, मतलब लाल रंग जो होता है वो इतनी जल्दी चाहे उस पर सूर्य की रोशनी गिर जाए चाहे कुछ भी वो इतनी जल्दी क्या होता है अपना वर्ण विक्षेपण नहीं करता है, इसलिए लाल रंग क्या होता है बहुत दूर से भी दिख जाता है, इसलिए नॉर्मली ट्रैफिक लाइट्स किस रंग की लगाई जाती है, लाल कलर की लगाई जाती है, ठीक है ना, ये सब रीजन होते हैं। तो यही कलर का यही होता है, तो ये अलग अलग क्या होती है, तरंग दैर्ध्य आ गई, प्लस तरंग दैर्ध्य के साथ में ये सारे के सारे रंगों की तीव्रता भी एक जैसी नहीं होती, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी इनकी क्या होती है कुछ ना कुछ अलग अलग होती है, तो ये इंटेंसिटी और ये जो तरंग दैर्ध्य लैम्डा
इन दोनों में ही एक रिलेशन प्राप्त किया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, वेन का नियम, वेन्स लॉ, वेन का नियम, ठीक है, वेन्स लॉ कहा जाता है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट सा है, यहाँ से हमें फिर एक ग्राफ मिलेगा, फिर हम उस ग्राफ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, आपको थोड़ी स्टोरी बता दी है, क्यों, क्योंकि अभी आगे मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, ठीक है ना, थोड़ी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो आपको ताकि स्टोरी पहले से समझ में आ गई है, तो आप लोग फटाफट से लिखना शुरू करो, हेडिंग डाल दो कृष्ण का विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं कृष्णिका क्या है, हम कृष्णिका किसी टाइप का बनाते हैं, ये हेडिंग दो, सब हेडिंग दो इसमें पहले कृष्णिका। मान लो हमने कोई ब्लैक बॉडी बनाई है, ठीक है, लिखो इसमें एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर, जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंग धैर्य के विकिरणों को, सभी तरंग धैर्य के विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया, वही वाली बात, अलग अलग तरंग धैर्य, मतलब कोई सा भी रंग आप उस पर डाल दो सबको एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ब्लैक कलर। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिखो आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए, आदर्श कृष्णिका की कल्पना के लिए एक कोटर का विचार किया जाता है, एक कोटर, कोटर जिसको अपन बोलते हैं कैविटी, कैविटी मतलब मान लो अपने इस टाइप का छोटा सा एक मान लिया है कि ब्लैक होल टाइप का अपने मान लिया है, ठीक है ना, कैविटी, सुरंग जिसको बोल सकते हैं अपन, तो एक कोटर का विचार किया जाता है जिसका ताप निश्चित रखा जाता है तथा भीतरी दीवारें काली की हुई होती हैं, जिसका ताप निश्चित रखा जाता है तथा भीतरी दीवारें काली की हुई होती हैं। ठीक है, तो आप लोग साइड में ये कोटर बनाओ कुछ इस टाइप का, अच्छा गोल सा बनाना आप लोग, सुंदर सा, ये बना दिया, मतलब साइड की आउटलाइन है, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसमें क्या होता है, साइड में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है, ये मान लो हमने ये छेद कर दिया इसमें, ठीक है, छेद क्यों किया हमने, ताकि बाहर से इसमें से निकल सके, कोई छिद्र है, इसका नाम हमने मान लिया ये बी है, ठीक है, ये हमने ये अंदर से पूरा कैसा किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, ये हम ओनली आउटलाइन दे रहे हैं, अंदर से ये पूरी की पूरी कैसी होगी, ब्लैक होगी, बना लो इसको,
ये तो थी हमारी कृष्णिका। अब इसमें नेक्स्ट देखो, कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो इसमें जब कोटर को गरम कर एक नियत ताप कैपिटल टी पर रखा जाता है, एक नियत ताप कैपिटल टी पर रखा जाता है, तब कोटर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो कोटर के भीतर की दीवारों से आंशिक अवशोषित कौमा परावर्तित रहते हैं कौमा परावर्तित होते रहते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने? अब हमने इसको गर्म कर दिया, इसको कोई टेम्परेचर टी दे दिया, तो अभी अंदर ब्लैक बॉडी थी, उसमें तो क्या था, हर प्रकार के विकिरण को उसने अब्सॉर्ब कर रखा था, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को। ठीक है ना, तो उसके अंदर तो कुछ ना कुछ गर्मी थी। जैसे ही अपन ने गर्मी की तो वो क्या हुआ, उसके अंदर जो भी पूरी ऊष्मा थी वो क्या हुआ, विकिरण के रूप में उत्सर्जित हुई। अब वो विकिरण क्या होगी, मान लो किसी दीवार से उत्सर्जित होगी वो विकिरण, उनका कोटर की अभी ऑब्वियसली सामने की तरफ चलेगी, प्रकाश तो सरल रेखीय पथ पर गति करता है, लेकिन सामने की दीवार से टकरा गई, मान लो यहाँ से अपवर्तित होगी, हो सकता है थोड़ा सा उसने अवशोषित कर लिया, क्योंकि दीवार तो ऑब्वियसली ब्लैक रंग है तो कुछ तो अवशोषित करेगी, लेकिन बाकी की यहाँ से परावर्तित होगी, इस दीवार से टकराई फिर यहाँ चली गई। ठीक है, इस दीवार से टकराई, कुछ उसने अवशोषित कर लिया, बाकी यहाँ से परावर्तित हो गई, इधर से टकराई, इस प्रकार से इसके अंदर ही क्या बार बार क्या होता है, इसका टकराना और चलना चलता होता रहता है। ठीक है, यहाँ से किसी एक स्थिति में ऐसा होता है कि जब प्रकाश की कुछ विकिरणें क्या होती है, इस छिद्र से बाहर की तरफ आ जाती है, इस छिद्र से बाहर की तरफ आ जाती है, ये जो बाहर जो विकिरण आती है यही हमें चाहिए होती है, इस विकिरण को ही हम फाइनली क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण हम कहेंगे। क्लियर है, ये जो मतलब बाहर आ गई उसको क्या मतलब, ये जो भी अंदर विकिरण उत्सर्जित हुई है ये कैसे विकिरण है, कृष्णिका की। प्रोसेस समझ में आ गया, जब आपने इसको गर्म किया कहीं भी चीज पर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपको पता है कि कोई चीज ठंडी हुई पड़ी है, हमने उसको जैसे ही गर्म कर दिया उसके अणु क्या होते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो पानी ठंडा पड़ा है तब तक ठीक है, जैसे आपने गर्म किया एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, उसमें अपने आप गति दिखने लग जाती है, बुलबुले उठेंगे, कहीं से भाप बनेगी, कहीं कुछ होगा, आवाज आएगी थोड़ी थोड़ी, सब क्या है, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो वही वाली चीज यहाँ हुई, तो यहाँ पर क्योंकि ब्लैक बॉडी ने विकिरणें अवशोषित कर रखी थी, अब वो जैसे ताप उसको टेम्परेचर मिला और टेम्परेचर हमने नियत रखा, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा, तो क्या हो गई, अवशोषण इसमें से ऊर्जा यहाँ से क्या हो गई, उत्सर्जित हो गई, किसी भी दीवार के किसी भी कोने से हो सकती है, उत्सर्जित होकर के सिंपल सी बात है एक सरल रेखीय पथ में गति करती है, अब वो जाएगी, लेकिन यहाँ तो चारों तरफ क्या है, ब्लैक बॉडी तो है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी से टकराएगी तो ऑब्वियसली सी बात है ब्लैक बॉडी कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी का भाग परावर्तित हो जाएगा, दूसरी दीवार से टकराएगा, इस प्रकार से अंदर ही अंदर उनमें टकराहट चलती रहेगी, टकराहट की वजह से एक तरह से उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ भी जाती है। ठीक है ना, कुछ अवशोषित होगी लेकिन टकराने के कारण कुछ ऊर्जा मिल भी जाएगी, तो ये कंटिन्यू चलते चलते, इसलिए हमने एक छेद छोड़ा था ताकि कुछ अमाउंट जो है ऊष्मा का वो यहाँ से बाहर भी निकल सके। ठीक है, इसको बना लो उसी डायग्राम में, अंदर ये भी बना लो, फिर लिखो इसमें कोटर का ताप कैपिटल टी केल्विन नियत रखा जाता है। इस कारण यह विकिरण उष्मीय
में कोटर के भीतर उष्मीय साम्यावस्था में कोटर के भीतर विद्युत चुंबकीय विकिरण का ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। स्टॉप। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। इस विकिरण को कृष्णिका विकिरण, ब्रैकेट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया, कृष्णिका विकिरण। नेक्स्ट एरो डाल करके इसमें लिखो यदि इस उत्सर्जित विकिरण का विक्षेपण किया जाए कोमा तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिस स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में विकिरण की तीव्रता अलग अलग पाई जाती है। फुल स्टॉप। यदि विकिरण तीव्रता तथा स्पेक्ट्रम के उस भाग की तरंग धैर्य में उस भाग से मतलब अपना क्या है कि जैसे देखो पूरा का पूरा हमें ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है, इस प्रकार से हम कह रहे हैं इतना रेंज कुछ अलग कलर, मतलब कि अलग तरंग धैर्य, इतने रेंज का अलग कलर है तो तरंग धैर्य अलग, इतने रेंज का अलग है, ठीक है। इन सबकी तरंग धैर्य अलग होने के साथ साथ इनकी इंटेंसिटी, इनकी तीव्रता भी अलग अलग है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, स्पेशली हम सिर्फ इस एक भाग की बात कर रहे हैं, मान लो हमने कहा कि हम तो इस बीच वाले एक भाग की बात कर रहे हैं। अब इस भाग की लैम्डा कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है ना, तरंग धैर्य कुछ ना कुछ इसका अलग है, साथ के साथ इसकी तीव्रता भी कुछ ना कुछ अलग होगी, आई भी अलग होगा इसका, क्लियर है। तो हम इस भाग का जो लैम्डा ले रहे हैं वो और इस भाग की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो संबंध स्थापित किया जाए तो प्राप्त वितरण नियम को कृष्णिका का ऊर्जा वितरण नियम कहा जाता है। कृष्णिका का ऊर्जा वितरण नियम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई कृष्णिका का ऊर्जा वितरण नियम। तो हमारे पास जो भी वो जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी तरंग धैर्य, उसकी एनर्जी अगर हम ले लेते हैं ये लैम्डा, और उसका अगर हम तरंग धैर्य के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ मिलता है जिसमें कि टेम्परेचर का भी रोल होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ की पीक में क्या वेरिएशन आता है वो हम देखते हैं आगे। देखो अब अपने को एक ग्राफ बनाना है, बहुत बड़ा मत बनाना, ठीक ठाक बना लेना कॉपी में साइड में, ठीक है, लेकिन समझना अच्छे से, इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है ना। ग्राफ हम किस दोनों के बीच में बना रहे हैं, एक तो हम लेते हैं जो भी हमारी उत्सर्जित विकिरण जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है, कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी होगी, और दूसरा हम ले रहे हैं उसका ग्राफ किसके साथ में, तरंग धैर्य के साथ में, ठीक है ना, उस विकिरण की तरंग धैर्य का किस पर ले रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने ले लिया कुछ इस टाइप से, यहाँ पर हमने क्या ले ली,
उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा लैम्डा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, ठीक है, या फिर इसे कई बार स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता भी कहा जाता है। इसलिए आप दोनों नाम ध्यान रखो, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, सेम ई लैम्डा को, ठीक है, ये होता है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता। ग्राफ किसके साथ में, यहाँ पे हम ले लें तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा के साथ हमें ग्राफ लेना है अलग अलग पीक पर, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये देखो, हमें ग्राफ कुछ कैसा मिलेगा, ग्राफ हमें मिलता है कुछ ऐसा, क्लियर है। सेकेंड पीक हमें ऑलमोस्ट मिलेगी, ग्राफ मिलता है हमें, ठीक है। ये सारी के सारे पीक्स हमें कहाँ मिली हुई है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए यहाँ हमें पीक मिली हुई है। अब अलग अलग टेम्परेचर क्या है देखो, वो भी देख लेते हैं हम, ये हमने ऊपर तक बना लिया। पीक में वेरिएशन अच्छे से बनाना आप लोग देख देख करके, ठीक है ना, बिल्कुल तरीके से बनाना। जैसे हमने स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हमने मान लो ये वाली पीक हमने ली है 1000 केल्विन पर, टेम्परेचर है ये, हमने एक ले ली 1000 केल्विन पर, एक हमने ले ली कोई 1500 केल्विन पर, ये है हमारी 1500 केल्विन पर, या हमने कोई ले ली 1760 केल्विन पर, इसको भी मैं इधर लिख देती हूँ, ये पीक है हमारी 1500 केल्विन पर, ठीक है, ये हमें मिल रही है 2000 केल्विन पर, 2000 केल्विन पर, क्लियर है। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, अलग अलग यहाँ हमें मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लैम्डा का मान मिल ही रहा है डिफरेंट डिफरेंट। अब आप ये देखो सारी के सारे पीक्स क्या हो रही है, पीक्स के करस्पॉन्डिंग, ये जो पीक का मतलब क्या है, इस पीक पर ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा है इसका मान क्या है, सबसे ज्यादा होता है पीक पर। उत्सर्जित जो ऊर्जा है इसका मान, इसका मतलब शुरुआत में बढ़ता है किसी एक पॉइंट पर मान सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद कंटिन्यूसली कम होता जाता है। ग्राफ से आपको यही दिख रहा है ना कि इस उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, लैम्डा, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं विकिरण की ऊर्जा का मान स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, एक पॉइंट पर जाकर के क्या होता है, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद वापस कम होना शुरू हो जाता है किसी डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। दूसरे टेम्परेचर पर लोगे तो वैल्यू आपको किस पीक कहीं और मिलेगी, लेकिन उसका जो नेचर होगा वो सेम होगा, क्या कि पहले उसका मान कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, किसी एक पीक पर जाकर के मैक्सिमम होगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट के लिए भी सेम इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे इस ग्राफ की टेंडेंसी, ठीक है। इन सब के करस्पॉन्डिंग हमें ये लैम्डा का मान भी अलग अलग मिलता है। अब हम बात करें इनके पीक की, तो आप पीक ये देखो, जैसे इसकी पीक हमें मिल रही है यहाँ पर, ये हमने कोई टेम्परेचर ले लिया है T1, इसके सापेक्ष हमें लैम्डा की वैल्यू, हमने इसको मान ली लैम्डा M है ये, तो लैम्डा M1 मिल रहा है। ये पीक हमने मान लिया कोई टेम्परेचर T2 पर, 1760 है हमारा T2 टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें ये पीक देखो कहाँ मिल रही है, लैम्डा 2, लैम्डा M2 पर, ठीक है। ये पीक देखो, ये पीक हमें मिल रही है T3 की, लगभग यहाँ पर लैम्डा M3 की, T3 की। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, देखो T3 की वैल्यू इन तीनों में, T3 की ये वैल्यू बहुत कम पे मिलती है, इसलिए यहाँ में कोई बहुत शार्प पीक नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ देखो T3 की वैल्यू क्या है, हमें सबसे कम मिल रही है, 1500 केल्विन है, सबसे कम है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि लैम्डा एम का मान क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जिस जगह आ रहा है। T2 हमने इससे ज्यादा बढ़ाया, तो इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा का मान किधर बढ़ रहा है, आपका इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब लैम्डा आपका कम की तरफ जाता जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लैम्डा का मान आपके पास कैसा हो रहा है, कम आ रहा है, दिख रहा है यहाँ से। टेम्परेचर T1 देखो, हमने 2000 केल्विन कर दिया, मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कर दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली है वो सबसे ही इधर कम मिली है वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हम T बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें लैम्डा का मान कम मिलता जा रहा है,
या 2 साल ऐसे देख रहे हो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, कि पहले हमने 2000 लिया, फिर हमने 1760 लिया, फिर 1500, टेम्परेचर हमने जैसे जैसे किया तो इसके रिस्पेक्ट में लेमडा का मान फिर इधर बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, या बोले लेमडा जो है, वो प्रपोर्शनल किसके हैं, 1/T के। लेमडा और टेम्परेचर आपस में कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है। मिलेगा हमें ये रिलेशन, समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ देखो जैसे जैसे टेम्परेचर का मान, या तो इधर की तरफ देख लो या इधर की तरफ, किधर भी देखो, इधर की तरफ आप जाते जाओगे तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर का मान जैसे जैसे कम हो रहा है लैम्डा का मान बढ़ता जा रहा है, या इधर की तरफ देखो टेम्परेचर का मान जैसे जैसे बढ़ा रहा है लैम्डा का मान कम होता जा रहा है। तो ये ग्राफ बना लो अच्छे से। अब ये रिलेशन अपने को लिखना नहीं है, अभी अपन लैंग्वेज के साथ में लिखते हैं, ठीक है? समझ में तो आ गया था ये रिलेशन क्यों आएगा, लैम्डा और टी इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। बना लो इसे। इस वक्र को आप क्या बोलोगे, कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा, वितरण वक्र, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, ये दिख तो रहेगा इतना नीचे नीचे, नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना। ये इस वक्र का नाम क्या है, कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र। तो लिखो अब इस वक्र की विशेषताएं, हम लिखते हैं, ग्राफ बना लिया सबने, नेक्स्ट एरो लगा करके लिखो कृष्णिका ये स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं। लिखो इसमें हेडिंग दो, नेक्स्ट एरो लगा करके लिखो, ये वक्र बना लिया। अब हम इस वक्र को एक्सप्लेन करके देखते हैं, तो लिखो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं। समझ में तो आ गया, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया, अब अपने को बस लिखना है, इसलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है? लिख लिया आपने स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं। पहला लिखिए इसमें, पहला लिखिए ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है, ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है, फुल स्टॉप। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना? कोई एक मान लो रेड कलर निकल रहा है किसी भी अमाउंट में, मतलब किसी पर्टिकुलर कोई तरंग दैर्ध्य निकल रही, तो जरूर नहीं है दूसरे रंग के विकिरण की तरंग दैर्ध्य भी उतनी ही मात्रा में निकले, इनकी मात्रा भी क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है? दूसरा लिखो, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लिखो ताप वृद्धि से, ताप में वृद्धि से प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है, विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड लिखिए किसी एक ताप पर, किसी एक ताप पर तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से, किसी एक ताप पर तरंग दैर्ध्य के बढ़ने से स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा,
विकिरण की उत्सर्जन एनर्जी बोली ई लैम्डा, या स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम, एक विशिष्ट तरंग दैर्घ्य कौन से लैम्डा एम पर उच्चतम मान कितना है ई लैम्डा एम प्राप्त करता है और फिर ई लैम्डा का मान घट जाता है। समझ में आ गया? अगर आपसे ये बात कर रहे हैं, हमने क्या कहा, लैम्डा का मान अपन जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो इधर ई लैम्डा के मान में अपने क्या देखा कि पहले तो ई लैम्डा का मान बढ़ता है, ठीक है, फिर लैम्डा के एक विशेष मान जिसको हमने क्या बोला है लैम्डा एम, मतलब इस पीक पर लैम्डा का मान हम कितना बता रहे हैं, ये इसके करस्पॉन्डिंग है लैम्डा का मान हमने कितना बताया लैम्डा एम, क्लियर है, एक विशेष मान है लैम्डा का लैम्डा एम पर यह अपने उच्चतम मान को प्राप्त करता है। इसके उच्चतम मान को किससे प्रदर्शित कर रहा है, ये ई लैम्डा एम प्राप्त करता है और फिर इसका मान क्या होता है, फिर से कम हो जाता है। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, लैम्डा एम, इसलिए हमने अलग अलग वैल्यू के लिए क्या लिया था लैम्डा एम वन, लैम्डा एम टू, लैम्डा एम थ्री, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये लैम्डा का स्पेशल मान है जिस पर हमें वो पीक मिलती है और पीक के करस्पॉन्डिंग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई लैम्डा एम वन, ई लैम्डा एम टू, ई लैम्डा एम थ्री, ऐसे। फोर्थ पॉइंट लिखो, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम के संगत तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान ताप वृद्धि के साथ निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है, ताप वृद्धि के साथ निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। क्लियर है? यही वाली बात जो हमने कही टेम्परेचर की वैल्यू, की टेम्परेचर हम जैसे जैसे T1 है, T2 की पीक हमें किसी इस जगह मिल रही थी, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर में क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं, लैम्डा का मान और इधर कम की तरफ आ रहा है। जैसे इसके रेस्पेक्ट में, T2 के रेस्पेक्ट में हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला लैम्डा 2, ठीक है ना, लैम्डा एम 2, और फिर T1 के रेस्पेक्ट, T1 जबकि हमने T2 से ज़्यादा लिया है, यहाँ पर T1 है ग्रेटर देन T2, वहाँ जहाँ आपने वो ग्राफ बनाया था ना पहले बड़ा वाला, वहाँ पर ये वैल्यू लिख देना, वेयर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, लिख भी रहा है 2000 लिखा है, फिर 1500 कुछ लिखा है, फिर 1000 लिखा है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यहाँ पर T1 का मान ज्यादा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है लैम्डा का मान निम्न तरंग दैर्ध्य कम की ओर विस्थापित होता है, अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लैम्डा एम जो है प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है, अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या लैम्डा एम तथा टी का गुणनफल, या लैम्डा एम तथा टी का गुणनफल नियत रहता है, लैम्डा एम तथा टी का गुणनफल नियत रहता है, अर्थात लिखो, या तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T लिख लो, या लैम्डा एम और टी का गुणनफल क्या होगा, कोई कांस्टेंट के बराबर होगा, नियत रहता है, बराबर बी मान लेते हैं, बी यहाँ पे क्या है, नियतांक, क्या है यहाँ, नियतांक, ठीक है, देखो जहां बी एक नियतांक है, जहां बी क्या है, नियतांक है,
जिसे वीन नियतांक कहा जाता है। वीन वीन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया, ठीक है। वीन नियतांक कहा जाता है, भी एक नियतांक है जिसे वीन नियतांक कहा जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, वी बराबर वैसे यूज नहीं आती फिर भी लिख लो 2.98 समथिंग होती है इंटू 10^-3 एम इंटू के, ठीक है। वी बराबर होता है 2.98 इंटू 10^-3 एम इंटू के होता है। स्टॉप, देखो उपयुक्त नियम क्या कहलाता है, उपयुक्त नियम वीन विस्थापन नियम कहलाता है। वीन विस्थापन नियम कहलाता है, ठीक है। या ये लिख लो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर है, ये होता है वीन का विस्थापन का नियम कि कैसे टेम्परेचर में आपने कम या ज्यादा किया तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग लैम्डा का मान कैसे विस्थापित होता है, ठीक है। क्या कहना है, ये वीन विस्थापन नियम। लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, लिखो 5th पॉइंट, लिखो वीन का विकिरण नियम। ये तो था वीन का विस्थापन नियम, ध्यान रखना दोनों में दो रूल्स दिए थे, दो लॉ दिए थे वीन ने, ठीक है। ये तो है वीन का विस्थापन नियम, 5th पॉइंट में लिखो वीन का विकिरण नियम। देखो वीन का विकिरण नियम, देखो इसमें वीन ने उष्मागति के आधार पर, वीन ने उष्मागतिकी के आधार पर यह ज्ञात किया कि किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर तरंग धैर्य परास कितनी लैम्डा से, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तरंग धैर्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की परास लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा निम्न होती है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा निम्न होती है। क्या वैल्यू दिया हमारे पास ई लैम्डा का, वीन ने एक और मान जो हमें दिया ई लैम्डा का, क्या दिया ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5, ए यहाँ कोई कांस्टेंट है, अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ ऑफ लैम्डा इंटू टी इंटू में डी लैम्डा। अब ये वैल्यू आपको एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। ई लैम्डा की वैल्यू जो वीन ने विकिरण नियम से दी, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर दिस, लिख लो यूनिट होती है इसकी वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। लिखो जहां एफ ऑफ लैम्डा टी, ये जो बताया है एफ ऑफ लैम्डा टी क्या है यहाँ पे, जहां एफ ऑफ लैम्डा टी लैम्डा अकेले लैम्डा टी चर का फलन होता है, अकेले चर लैम्डा टी का फलन है।
अकेले चर लैम्डा टी का फलन है, ठीक है, फुल स्टॉप। इस एफ ऑफ लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए, एफ ऑफ लैम्डा टी का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा के वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की परस्पर तुलना कर मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की परस्पर तुलना कर एफ ऑफ लैम्डा टी का मान प्राप्त किया। क्या मान था? e^-a/λt। ये मान मिला उसको एफ ऑफ लैम्डा टी का। तो सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे अपन, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा बराबर यहाँ से क्या बन जाएगा, ए लैम्डा को ऊपर लेकर के चाहे तो लैम्डा की पावर -5, एफ ऑफ लैम्डा टी का मान रख दो ई की पावर -a/λt इंटू डी लैम्डा। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिला ई लैम्डा का, ठीक है। ये नियम क्या कहलाता है? वीन का विकिरण नियम, ठीक है। तो ये नियम लिख लो, क्या कहलाता है? वीन का विकिरण नियम। तो वीन के दो नियम पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक विकिरण का नियम, और दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब बार आता है ये विकिरण नियम, ठीक है। या लिख लो वीन्स रेडिएशन लॉ। लिख लिया। अब इसमें नेक्स्ट एरो डाल करके लिखो, 6 पॉइंट लिख लो या तो 6 पॉइंट लिखो। वीन का विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण के ये 6 पॉइंट में नहीं, या तो इसी में लिख लेना या फिर चलो नेक्स्ट डाल दिया तो लिख लो 6 में, ठीक है। लिखो वीन विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहता है, फुल स्टॉप। यह नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास में ही सत्य पाया जाता है। यह नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य की परास में ही सत्य पाया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये नियम लिख लेना ब्रैकेट में, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये कब सही होगा? लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए, जब लैम्डा की रेंज कैसी हो? छोटी रेंज हो, ठीक है। पूरे को नहीं समझा पाता इस ग्राफ जो हमने बनाया, इसकी लैम्डा की सारी वैल्यू के लिए नियम सही नहीं बैठा। केवल लैम्डा की जो छोटी छोटी वैल्यूज थी, मतलब स्टार्टिंग की कुछ वैल्यू मान लो 5-10 तक, तब तक मैं सही बैठा। तो ये लिख लेना लघु तरंग दैर्ध्य परास के लिए। ठीक है, ये तो लघु तरंग दैर्ध्य परास पे, दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास को कौन समझाएगा? तो उसके लिए फिर एक दूसरा नियम आया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 7th पॉइंट लिखो। देखो दीर्घ तरंग दैर्घ्यों वाली तरंग दैर्घ्यों के लिए रेले जीन्स, ये नेक्स्ट नियम किसने दिया? रेले जीन्स।
प्रिंस ने निम्न नियम प्रतिपादित किया। रेले जिन्स ने निम्न नियम प्रतिपादित किया, क्या नियम दिया रेले जिन्स ने? ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, सेम यही वैल्यू दी, ठीक है। यार दी वैल्यू 8 pi kT अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। 8 pi kT लैम्डा की पावर 4 इंटू में डी लैम्डा, ये किसके लिए है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य की परास के लिए, ठीक है। लैम्डा की बड़ी वैल्यूज के लिए कौन सा नियम दिया गया? रेले जीन्स का नियम। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। परास के लिए ध्यान रखना, ये लघु तरंग दैर्ध्य परास और दीर्घ तरंग दैर्ध्य परास के लिए, ठीक है। लिख लो, इसको चाहे तो हम इसको लैम्डा है, लैम्डा को न्यू के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। न्यू के फॉर्म में हम इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देख लो, न्यू के फॉर्म में हम लिखे इसको तो, और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, और ई न्यू डी न्यू के टर्म में हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 8 pi nu² × kT अपॉन c³ × dν, ठीक है। ये न्यू स्क्वायर, न्यू में और लैम्डा में रिलेशन हमने शुरू में निकाला था ना, इक्वल टू mc² और इक्वल टू hν को बराबर करके, तो न्यू के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो दोनों टर्म में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो रेले जीन्स का नियम दोनों में एक एक छोटी छोटी कमी भी रही, एक एक विशेषता रही। इसकी कमी क्या रही? विंग ने शॉर्ट रेंज के लिए प्रूफ कर दिया, मतलब अच्छी बात है, लेकिन लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए प्रूफ नहीं कर पाया, मतलब वो उसकी कमी रह गई। ऐसे इसने बड़ी तरंग दैर्ध्यों के लिए प्रूफ कर दिया, इसका मतलब सही बात है, लेकिन लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस वक्र को, ये इसकी कमी रह गई, ठीक है। तो इन कमियों के आधार पर ही, ये कमियां ही किसकी? क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ कमी थी जिनके लिए फिर प्लैंक ने अपना नियम दिया और क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही।